अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पाव भाजी मसाला बनाने की रेसिपी। इसे घर पे बनाना बहुत आसान है और ये घर पे बहुत फ्रेश बहुत टेस्टी बनता है। आप इससे जो पाव भाजी बनाएंगे वो बहुत टेस्टी बनेगी। आप इसे बहुत आसानी से घर पे बना सकते हैं और ये बहुत अच्छी तरीके से घर पे बन जाता है, बहुत चटपटा बनता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब भी बनाए फ्रेश बनाए, क्योंकि मैंने क्वांटिटी जो बताई है बहुत, मतलब इतनी बताई है कि वो तुरंत ख़त्म हो जाए जितनी हमें बनानी हो। ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमने नहीं बनाया है। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से बनाया है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आइए तो बनाना शुरू करते हैं। पाव भाजी मसाला बनाने के लिए ये हमने एक चम्मच धनिया लिया है, एक चम्मच सौंफ ली है, आधा चम्मच जीरा लिया है, 3 से 4 ये तेज पत्ते हैं और 3 से 4 ये दालचीनी के टुकड़े हैं, एक ये फूल चक्री है, थोड़ी सी ये जावित्री है, एक और ये थोड़ी जायफल है, एक बड़ी इलायची है और ये पीपली है छोटी वाली, और 4 लौंग ली है हमने, 2 छोटी इलायची है, आधा चम्मच काली मिर्चें हैं और 1/4 चम्मच हमारी अजवाइन है, और इन सबको हम भून लेंगे। कढ़ाई हमारी गर्म है, आइए डाल देंगे सभी मसाले। थोड़ा सा पहले मिर्चों को करेंगे क्योंकि मिर्चें थोड़ी देर में भूनती है, और फिर ये सभी मसाले डाल देंगे इसमें। इन्हें थोड़ा सा भूनना है हमें, ज़्यादा नहीं भूनना, खुशबू आने तक। गैस को थोड़ा मीडियम से कम कर लेंगे। मसाला हमारा भून चुका है, गैस बंद कर देंगे। बस हमें 2 से 2.5 मिनट ही लगा है इसे भूनने में, और इसे ठंडा कर लेंगे और मिक्सी में पीस लेंगे। आइए ये सभी मसाले हमारे थोड़े ठंडे हो चुके हैं और इसमें डाल देंगे, और ये देखिए ये हमने 1 चम्मच से कम, आधा चम्मच हमने ये काला नमक लिया है, 1 चम्मच हमारा सफ़ेद नमक है जो हम नॉर्मल घर में खाते हैं, और ये हमारी 1 से 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, ये कलर के लिए होती है, और 1/4 चम्मच हल्दी है, ये भी इसमें डाल देंगे सब, और इन सबको मिलाकर पीस लेंगे। ये देखिए हमारा पाव भाजी मसाला तैयार है। ये बहुत टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा फ्रेश अपने हाथों का बना हुआ, और ये पाव भाजी को बहुत टेस्टी बना देगा। आप एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।